हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में रीड करेंगे चैप्टर नंबर फाइव जो कि है इंडिगो इट इज फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नो समथिंग अबाउट इट्स राइटर लुइस पिसर ही वाज बोर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1970 ही वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया एंड ही सर्वड एज अ वॉल्टियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन नाइनटीन एंड नाइनटीन ट्वेंटी यानी कि एटीन से लेकर ट्वेंटी तक ही उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलेंटियर अपनी सर्विस दी और इसके बाद उनको इस आर्मी सर्विस से उनको हटा दिया गया उनको एक तरीके से अलग भेज दिया गया बिकॉज ही वॉज इन द फेवर ऑफ द इंडियंस ओके गांधी जी से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे प्रभावित थे दैट्स वाई ही वॉज सेंट अवे

ये करके एक बुक लिखी थी इस टाइटल के साथ में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी और ये जो बुक थी वो बेस्ट बुक्स मानी जाती है जो कि गांधी जी के बारे में अभी तक लिखी गई हैं उन सब से ओके सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द चैप्टर और ये जो अपना पार्ट है इस ये जो चैप्टर है आ, आ, इंडिगो ये क्या है बच्चों ये पार्ट है उस बुक का दैट वाज रिटन बाय लुइस फिसर ठीक है एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक पार्ट है आपका ये चैप्टर इंडिगो ठीक है और यहाँ पे जो लुइस फिसर हैं वो बता रहे हैं कि गांधी जी ने उनको क्या क्या बताया था इस चैप्टर के अंदर ठीक है इंडिगो से रिलेटेड इंडिगो वॉट इज इंडिगो पहले तो अब चैप्टर का टाइटल है अपना तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंडिगो क्या है इंडिगो वॉज अ क्रॉप एट दैट टाइम इट वॉज द टाइम वैन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड द शेयर क्रॉपर शेयर क्रॉपिंग वॉज द मेन प्रॉब्लम एट दैट टाइम ऑफ चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है तो शेयर क्रॉपिंग का मतलब जैसे आपने सुना हो कि बटाईदारी यानी कि जो uh, किसान लोग थे उन लोगों को काफी सारा सेवेंटी फाइव परसेंट एट्टी फाइव परसेंट ऑफ देयर एटी फाइव परसेंट ऑफ देयर क्रॉप देवर गिविंग टू द ब्रिटिशर्स ठीक है तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर किस तरीके से उन्होंने वो शेयर क्रॉपिंग को रिमूव किया बेसिकली जो चैप्टर है रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ दी पेजेंट्स है किसानों की कंडीशन से रिलेटेड है कि कैसे गांधी जी ने उन लोगों को फियर जो कि ब्रिटिशर्स का डर था उनको उससे कैसे बाहर निकाला कैसे उनको हिम्मत दी ठीक है चलिए When I "I I first visited Gandhi in 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 1942 at his uh, ashram in Central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the the departure of the British." आई तो यहाँ पे, पे किसके लिए है राइटर लुइस फिसर के लिए तो बोलते हैं लुइस फिसर कि जब मैंने पहली बार विजिट किया गांधी जी के पास में कहाँ पे उनके आश्रम जिसका नाम क्या था सेवाग्राम और ये कहाँ था सेंट्रल इंडिया में था और मैंने उनको विजिट किया था 1940, टू में तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने यानी कि गांधी जी ने किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनका डिपार्चर किस तरीके से किया यानी कि ब्रिटिशर्स को किस तरीके से वहां से यानी कि इंडिया से बाहर भेजा इट वॉज इन 1917. तो अब उनको गांधी जी बता रहे हैं कि ये 1917 का इंसिडेंट था जब उन्होंने सोचा था कि वो ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे भारत से बाहर भेज देंगे तो बच्चों देखिए यहां पे जो लुइस फिसर है वो उनसे मिलने गए थे कब 1942 में और उनको इंसिडेंट गांधी जी सुना रहे हैं 1917 का ठीक है चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं he had gone to the december 1916 annual convention of the indian national congress party in lucknow there were 2301 delegates and uh, delegates and many visitors to yahan pe kya hai time hai ye kab ka december 1916 ka annual convention chal raha tha indian national congress party ka lucknow ke andar और वहां पे 2301 delegates आए हुए थे delegates का मतलब होते हैं क्या एक तरीके से कहो प्रतिनिधि ठीक है And many visitors वहां पे आए हुए थे उस congress session के अंदर उस convention के अंदर एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और जब प्रोसीडिंग चल रही थी यानी कि जब ये नेशनल कांग्रेस पार्टी का जब कन्वेंशन चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ गांधी जी रिकाउंट तो गांधी जी ने सुनाया क्या सुनाया कि अजेंट

ठीक है आगे देखते हैं एंड सैड और कहा उसने क्या कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला मैं राजकुमार शुक्ला हूँ एंड आई एम फ्रॉम चंपारण चंपारण डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट और मैं आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट ले जाना चाहता हूँ एंड गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ ऑफ द प्लेस गांधी जी ने पहले इस प्लेस के बारे में यानी चंपारण के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था एंड इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय अब वो ये जो यहाँ पे उस जगह का यानी कि चंपारण का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो कहाँ पे था फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय यानी कि ऊंचे हिमालय के फुट हिल्स में था ये नियर द किंगडम ऑफ नेपाल नेप का, नेपाल का जो किंगडम था उसके पास में और हिमालय के फुट हिल्स में था अंडर एन एनसीट अरेंजमेंट था चंपारण शेयर क्रॉपर्स एक पुराने टाइम से वहां पे अरेंजमेंट चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग क्या था चंपारण के जो प्रेजेंट्स थे जो किसान थे वहां के वो क्या थे शेयर क्रॉपर्स थे ठीक है एंड राजकुमार शुक्ला वन ऑफ देम और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था मैंने शेयर क्रॉपर्स के लिए बताया था आपको इसमें हिंदी में हम लोग बटाईदार बोल सकते हैं शेयर क्रॉपर यानी कि जो अपनी क्रॉप का यानी कि अपनी फसल का क्या करते हैं शेयर करते हैं बंटवारा करते हैं और यहाँ पे वो अपनी क्रॉप का बंटवारा किसके साथ में कर रहे थे ब्रिटिश के साथ ठीक है है कुछ छूट गया इसमें से just wait, रह गया। तो आगे है कि शुक्ला इलिटरेट बट रेजोल्यूट वो इलिटरेट था इलिटरेट का मतलब क्या होता है अशिक्षित जो पढ़ा लिखा ना हो इलिटरेट था लेकिन कैसा था रेजोल्यूट था रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमेंट यानी कि दृढ़ संकल्प वाला ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉड सिस्टम इन बिहार अब वो यहां पर क्यों आया था कांग्रेस uh, सेशन में क्यों आया था क्योंकि कंप्लेन करनी थी उसको किसके खिलाफ इनजस्टिस के खिलाफ इनजस्टिस मीन्स uh, अन्याय के खिलाफ किसका लैंड लॉर्ड सिस्टम का बिहार में जो अन्याय चल रहा था लैंड लॉर्ड जो थे यानी कि जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स थे और वो जो इनजस्टिस करते थे उसके अगेंस्ट उसको कंप्लेन करनी थी किसको गांधी जी को इसलिए वो कांग्रेस सेशन में आया था एंड समबड़ी हैड प्रोबेबलीट स्पीक टू गांधी और उसको किसी ने कहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्व सोल्यूशन कौन कर सकता है गांधीजी कर सकते हैं इसलिए वो गांधीजी से मिलने कांग्रेस सेशन में आ गया था गांधी रोल शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया गांधीजी ने शुक्ला को बोला जब वो उनसे मिला उस कांग्रेस सेशन में तो गांधीजी ने बोला कि uh, अभी क्या है मेरा अपॉइंटमेंट है मैं अपॉइंटमेंट शुक्ला ही हैड एन यानी कि उनके अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फ़िक्स हो चुके थे और वो बोलते हैं कि कानपुर में मेरा अपॉइंटमेंट है और उसके बाद मैं कमिट कर चुका हूँ कहाँ के लिए अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाने के लिए सेशंस लेने के लिए मैं कमिटेड कर चुका हूँ शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर तो शुक्ला ने उनको अकम्पेंड किया कम्पेंड का मतलब होता है साथ साथ जाना ठीक है टू मूव टुगेदर

कि मुझे एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप मेरे साथ कब चलोगे अब क्या होता है इंप्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेसिटी टेनेसिटी का मतलब भी होता है डिटर्मिनेशन या लगन जिसको कह सकते हैं तो उस शेयर क्रॉपर की किसकी राजकुमार शुक्ला की उस टेनेसिटी से यानी कि लगन से इंप्रेस्ड होकर और एंड स्टोरी गांधी सैड और गांधी वन मिनट इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सैड एंड स्टोरी गांधी सेट आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट तो उसके टेनेसिटी से और उसकी स्टोरी से प्रभावित होकर इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा कि मैं कैलकाटा जाऊंगा इस इस डेट को एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देअर तो वहां पर आना मुझसे मिलना और मुझे वहां से चंपारण ले चलना ऐसा हुआ अब क्या होता है भाई मंथस पास्ट कई महीने बीत गए शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चिज एट द अपॉइटमेंट स्पॉट एंड कैलकटा वैंड गांधी अराइव तो शुक्ला बैठा हुआ था अपने हॉन्चेज पे यानी कि आ, बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठा हुआ था वो अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट स्पॉट पे यानी कि जो उसको अपॉइंट किया गया था स्पॉट ये जो जगह उसको गांधी जी ने बताई थी कैलकाटा में वहां पे वो बैठा हुआ था और गांधी जी का वेट कर रहा था जब वहां पे गांधी पहुंचे ही वेटेड टिल गांधी फ्री और उसने कैलकटा में वेट किया गांधी जी के फ्री होने का देन द टू ऑफ देम बोर्ड इड द ट्रेन फिर वो दोनों एक ट्रेन पे बोर्ड हो गए सवार हो गए फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार पटना शहर के लिए जो कि कहाँ पड़ता है बिहार में दियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद वहां पे फिर जो शुक्ला था जो पेजेंट था वो उनको कहाँ ले गया एक लॉयर के घर में जिसका नाम क्या था राजेंद्र प्रसाद जी हाँ स्टूडेंट्स ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि बाद में जाके कौन बने थे अपने राष्ट्रपति तो लॉयर के घर में ले गया जो कि जिनका नाम क्या था राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने एंड पार्टी ऑफ इंडिया भारत के भी राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन एट दैट टाइम बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज अ पुअर यूमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स राजेंद्र जो प्रसाद थे वो उस टाइम पे आउट ऑफ टाउन थे यानी कि शहर में नहीं थे पटना में नहीं थे लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे किसको शुक्ला को कि वो एक पुअर यूमैन है यानी कि गरीब किसान है जो कि पेस्टर्ड करता है मतलब परेशान करता था उनके मास्टर को किसको राजेंद्र प्रसाद को हेल्प करने के लिए किसकी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए वो बार बार वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी के पास में आता रहता था इसलिए उनके नौकरों को पता था कि इसका नाम क्या है शुक्ला है और ये एक पुअर यूमैन है यूमैन का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स किसान होता है पेजेंट होता है कृषक होता है आगे देखते हैं अब क्या होता है सुदे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये किसान है और इसके साथ में जो दूसरा है वो भी ऐसा ही कोई होगा सो उन्होंने क्या किया स्टे ऑन द ग्राउंड उनको बिठा दिया जमीन पे विद हिज कंपेनियन गांधी उसके कंपेनियन गांधी के साथ में हुम द टुक टू बी दर प्रेजेंट जिसको उन्होंने समझा दूसरा किसान बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल एट लेस्ट सम ड्रॉप प्रॉफिट ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट दर सोर्स अब लेकिन गांधी जी को उन्होंने परमिट नहीं किया ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ मींस खींचना पानी कहा से फ्रॉम द वेल कुएं से क्योंकि कुछ जो ड्रॉप्स थी बकेट में से बाल्टी की कुछ जो ड्रॉप थी वो पॉल्यूट कर देती एंटायर सोर्स को यानी कि पूरे के पूरे कुएं को वो ड्रॉप जो थी वो क्या कर देती पॉल्यूट uh, कर देती इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी क्या समझा था कि ये अनटचेबल है हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल वो जो लोग थे यानी कि जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के वो कैसे जान पाते कि जो गांधी जी थे वो अनटचेबल नहीं थे यानी कि अछूत नहीं थे उस टाइम पे ये अनटचेबलिटी की एक प्रॉब्लम भी इंडिया में चल रही थी और ब्रिटिशर्स तो रूलिंग कर ही रहे थे गांधी जी डिसाइडेड टू तो गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर अब गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया विच वॉज एन रूट ऑफ चंपारण जो कि कहाँ था चंपारण के रूट में था चंपारण जाने के रास्ते में था ही ऑप्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सॉरी ही ऑप्टेन ही टू ऑप्टेन प्राप्त करने के लिए टू गेट मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ज्यादा इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस कंडीशंस के बारे में यानी कि चंपारण में जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस के बारे में ज़्यादा इंफॉमेशन कलेक्ट करने के लिए पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे मुजफ्फरपुर जाएंगे ठीक है और देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन uh, शुक्ला उनको नहीं दे पाया उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि रास्ते में पड़ता है किसके चंपारण के ठीक है ही अकॉर्डिंगली सेंटर टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर उन्होंने क्या किया एक टेलीग्राम भेजा किसको को प्रोफेसर जेबी कृपलानी को जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में एक कौन थे प्रोफेसर थे हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल जिनसे किससे जेबी कृपलानी से वो मिले थे कौन महात्मा गांधी कहाँ पे शांति निकेतन स्कूल ऑफ टैगोर टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे आगे देखते हैं द ट्रेन अराइव एट मिड नाइट ट्रेन जो थी वो मिड नाइट में कहा पहुंची मुजफ्फरपुर पहुंच गई थी फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन को यानी कि पंद्रह अप्रैल को कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स एज यू नो जेबी कृपलानी वॉज अ प्रोफेसर सो ही वॉज वेटिंग दर विदार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स मीनस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे महात्मा गांधी के पहुंचने का गांधी स्टेट डेयर फॉर टू वी टू डेज दो दिन तक गांधी जी वहां पे रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी देखिए उनको रिसीव करने तो आए थे प्रोफेसर जेबी बी कृपलानी लेकिन वो घर में किसके रुके प्रोफेसर मलकानी के जो कि टीचर थे कहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज तो गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत जिसको कहे ना बहुत बड़ी बात थी कि गांधी कमेंट करते हैं इस बात पे कि उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए हार्बर करना हार्बर करना हार्बर का मतलब होता है शरण देना रिफ्यूज देना किसको अ मैन लाइक मी मेरे जैसे किसी व्यक्ति को इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ छोटी लोकेलिटीज़ में द इंडियंस वर टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल क्योंकि छोटी जो लोकेलिटीज़ होती थी वहां पे इंडियंस को आ, डर रहता था सिंपैथी शो करने का किसके लिए एडवोकेट्स ऑफ होम रूल होम रूल के जो एडवोकेट्स एडवोकेट advocate का यहाँ पे वकील नहीं है आप यहाँ पे समर्थक कह सकते हो हु वर देयर इन द फेवर ऑफ होम रूल होम रूल का मतलब आप जानते हो स्व शासन या स्वदेश सी के जो समर्थक थे ठीक है उनका अगर कोई फेवर करता था उनका अगर कोई समर्थन करता था तो ऐसी परमिशंस उन स्मॉलर लोकेलिटीज में इंडियंस को नहीं थी इंडियंस डरते थे कि अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो ब्रिटिशर्स उनको परेशान करेंगे आगे देखते हैं द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड एंड टू द चंपारण अब जो न्यूज है गांधी जी के एडवेंट की एडवेंट का मतलब होता है बच्चों अराइवल ठीक है तो गांधी जी के अराइवल का जो न्यूज था और उनके मिशन का जो नेचर था यानी कि वो किस मिशन पे आए हैं ठीक है और उनके आने की खबर जल्दी से फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में और कहाँ पे चंपारण में भी शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिग अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन अब जो शेयर क्रॉपर्स थे वो चंपारण से आने लगे पैदल भी आने लगे और कन्वेंस से भी आने लगे अपने चैंपियन को देखने के लिए कहाँ आने लगे थे मुजफ्फरपुर आने लगे थे कहाँ से चंपारण से मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम अब मुजफ़्फ़रपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की वो गांधी जी से मिले और उनको बताया ठीक है सारी चीज़ें सारी कंडीशंस बताएं दे फ्रिक्वेंटली प्रेजेंटेड पेजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट और उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं पेजेंट को किसान को ग्रुप्स में ठीक है कहाँ पे कोर्ट में ले जाके प्रेजेंट करते हैं ऐसा लॉयर्स ने बताया दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस और उनको उन लॉयर्स ने गांधी जी को यह भी बताया कि केसेस क्या क्या हैं और वो किस कितनी फीस लेते हैं किससे इन किसानों से इन शेयर क्रॉपर्स से सारी चीजें इन लोगों ने लॉयर्स ने बता दी गांधी जी को कहां पे मुजफ्फरपुर में अब क्या होता है गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स गांधी जी ने चाइड किया चाइड का मतलब क्या होता है फटकार लगाना लॉयर्स को फटकारा कलेक्ट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट ऑफ फी किससे शेयर क्रॉपर्स से, से. यानी कि शेयर क्रॉपर्स जो कि पहले से ही इतने गरीब हैं उनकी कंडीशन इतनी पुअर है एटी फाइव परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स दे आर गिविंग टू द ब्रिटिशर्स और उन उसके बाद में भी ये जो लॉयर्स हैं ये उनसे फीस ले रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने लॉयर्स uh, को चाइड किया यानी कि धमकाया He said, I have come to the conclusion. उन्होंने कहा कि मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि वी शुड स्टॉप गोइंग ऑफ लॉ कोर्ट्स कि हमें कोर्ट्स में नहीं जाना है अब जस्टिस पाने के लिए टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड का मतलब क्या है बेकार है व्यर्थ है ठीक है वेअ द पेजेंट्स आर शो क्रस्ड जहाँ के किसान जो हैं वो इतने क्रस्ड हैं मीन्स इतने गरीब हैं इतने पुअर हैं एंड फियर स्ट्रिकन और डरे हुए हैं लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस उनके लिए जो लॉ कोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के ब्रिटिशर्स के वो तो यूजलेस

ओन्ड बाय द इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टी लैंड तो आगे बोलते हैं लुइस फिसर की जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड था अरेबल का मतलब होता है फर्टाइल लैंड जिसपे खेती की जा सके उपजाऊ जगह तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड था वो डिवाइडेड था काफ़ी बड़े बड़े ईस्टेट्स में ईस्टेट्स का मतलब जागीर बोल सकते हैं हम लोग पहले हमने बहुत सुनी है जागीर के मालिक जागीर तो ईस्टेट्स में डिवाइड था जिसपे इंग्लिश मैन क्या करते थे ओन्ड करते थे शासन करते थे और वर्क किया जाता था उन ई स्टेट्स पर उन जागीरों पर इंडियन टी लैंड के द्वारा भारतीय किसानों के द्वारा यानी कि जो इंडियन टीनेंट्स थे जो किसान थे वो तो उस पर वर्क करते थे और शासन करते थे यानी कि ज्यादा हिस्सा उस जमीन की क्रॉप का कौन लेता था ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश मैन लेते थे चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो उस टाइम पे वहां का जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप था चंपारण का वो क्या था इंडिगो था इंडिगो का मतलब मैंने बताया आपको नील नील की खेती पहले होती थी ठीक है द लैंड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट थ्री ट्वेंटी और फिफ्टीन परसेंट ऑफ द होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट आगे क्या है जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल करते थे कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य करते थे किसको सभी टीनेंट्स को क्या करने के लिए प्लांट करने के लिए थ्री ट्वेंटींथ यानी कि थ्री ट्वेंटी या फिर कहें कि फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ देयर होल्डिंग्स लेने के लिए प्लांट मीन्स रखने के लिए यानी कि पंद्रह परसेंट रखने के लिए किसका इंडिगो क्रॉप का ठीक है और सरेंडर कर देने के लिए उनको फोर्स करते थे पूरी इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट यानी कि फिफ्टीन परसेंट तो वो खुद रखेंगे और एट्टी फाइव परसेंट किसको जाएगा ब्रिटिशर्स को जाएगा ठीक है ये उनका वहाँ का अरेंजमेंट था सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का ठीक है तो so, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि वॉट वॉज द अरेंजमेंट ऑफ शेयर क्रॉपिंग सो इट वॉज द अरेंजमेंट दैट फिफ्टीन परसेंट वर कैप्ड बाय द दट्टी फाइव परसेंट वर गिवन टू द ब्रिटिशर्स ऑफ देयर होल्डिंग आगे देखिए एज अ अंड दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ऐसा एक लंबे टाइम से चला आ रहा था इन लोग के साथ में होता आ रहा था प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड लर्न दट जर्मनी है डेवलप्ड अब क्या हुआ जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता लगा कि जो जर्मनी है उसने डेवलप कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो यानी कि इंडिया के दूसरे देश है बाहर का जो देश है जर्मनी उसने डेवलप कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो अब क्या किया उन्होंने दे दे देर अपॉन ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स अब इसलिए उन्होंने जब उनको पता चला कि उसने जो है सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है किसने जर्मनी ने वो तो अब इनकी जो इंडिगो क्रॉप थी यहाँ की जो इंडिया इंडिया की इंडिगो क्रॉप थी उसका दाम उसका रेट बहुत कम हो गया था ठीक है और सिंथेटिक इंडिगो को उसका मिलना उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता था जबकि ये जो क्रॉप थी ये तो सीजन के हिसाब से ही होती थी इसका पॉसिबल नहीं था तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने एक तकनीक और एक टेक्निक सोची तो उन्होंने क्या किया एग्रीमेंट्स करवाए फ्रॉम द शेयर प्रॉपर्स से टू पे दैम कंपेन्सेशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम दी फिफ्टीन परसेंट अरेंजमेंट कि वो उन्हें क्या करेंगे कम्पेंशेशन दे देंगे यानी कि ब्रिटिशर्स को जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो कुछ कम्पेंशेशन दे देंगे जिससे कि वो फिफ्टीन परसेंट का जो अरेंजमेंट है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी यानी कि जो फिफ्टीन परसेंट होल्डिंग ये लोग अपने पास रखते हैं तो उस टाइम पे अगर ये जो किसान हैं जो पेजेंट्स हैं शेयर क्रॉपर्स हैं अगर ये उन्हें कुछ कंपेंशेशन देंगे जो कुछ भी वहाँ पे डिसाइड हुआ होगा कंपेंशेशन ठीक है तो कम्पेंशेसन का एक जो मतलब होता है वो होता है क्षतिपूर्ति या फिर आप ये कहें कि कुछ एक्स्ट्रा मनी कुछ एक्सचेंज करके बदले में कुछ देना है ना तो वो है कम्पेंशेशन तो वो उनको देना है किसको ब्रिटिशर्स को देना है शेयर क्रॉपर्स ने ऐसा सॉरी लैंडलॉर्ड्स uh, ने बोला उनको कि uh, जो फिफ्टीन परसेंट अरेंजमेंट है अगर उससे रिलीजिंग चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कंपेन्सेशन देना पड़ेगा इसके लिए ठीक है अब क्या हुआ द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट फॉर एक टू द पेजेंट्स तो जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था ये एक सम था एक सम का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक कष्टदायक था पेजेंट्स के लिए यानी कि बहुत मुश्किल हो रही थी उन लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें ठीक है तो क्योंकि वो गरीब के करीब ही रह रहे थे इस इस शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट से एंड मैन ही साइंड विलिंगली तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कुछ ने तो विलिंगली साइन कर दिया एंड दोज हु रेसिस्टेड और कुछ लोग जिन्होंने रेसिस्ट किया इस चीज का जिनमें कि लॉयर इंगेज थे यानी कि लॉयर्स थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे द लैंड लॉर्ड हायर थग्स तो लैंड ने लैंड कौन थे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने थग्स को हायर कर लिया थग्स का मतलब होता है लुटेरे या गुंडे जिनको कहो उन्होंने हायर कर लिया और मीन द इफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इनको रीज Illiterate, illiterate who अब क्या हुआ? कि जो लोग मना कर रहे थे उनको इंसिस्ट किया गया उनको जबरदस्ती उनसे साइन करवाने के लिए जबरदस्ती उन लोगों से साइन कराने का सोचा और फिर इसका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा कि इसकी इन्फॉर्मेशन सिंथेटिक इंडिगो की कहाँ पहुंच गई इलिटरेट पेजेंट्स के कानों तक भी पहुंच गई जो कि विलिंगली ऑलरेडी साइन कर चुके थे एंड दे वांटेड देयर मनी बैक और अब वो भी अपना पैसा वापस चाहते थे एट दिस पॉइंट गांधी अराइवड इन चंपारण और इसी वक्त गांधी जी कहाँ पहुंच गए चंपारण में पहुंच गए ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स अब उन्होंने शुरुआत की क्या करने की फैक्ट्स गेट करने की थ्य को खोजने की फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहले तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसके पास में गए और तो सेक्रेटरी ने उनको बोला कि दे वुड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर कि वो आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं देंगे गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं या गांधी जी ने आंसर दिया कि वह आउटसाइडर नहीं था मतलब गांधी जी आउटसाइडर नहीं थे नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीज़न, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले और उसके बाद में इस सेक्रेटरी से मिलने के बाद में गांधी जी किसके पास गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास तिरहुट डिवीजन के जिस डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता था चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था ठीक है तो द कमिश्नर ने बोला की द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट गांधी रिपोर्ट गांधी जी ने बताया कि जो कमिश्नर था ना उसने क्या किया प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू फोर्थ विद टू लीव तिरहुट उसने जल्दी से प्रोसीड किया और मेरे को धमकाया बुल्ली का मतलब होता है थ्रेट करना धमकाना एंड एडवाइज मी और मुझे सलाह दी फोर्थ विद का मतलब होता है एट वंस तुरंत के तुरंत ही लीव करने का किसको तिरहुट डिवीजन को छोड़कर चले जाने का वो जो ऑफिशियल कमिश्नर था ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर उसने मुझे धमकाया और फिर मुझे तिरहुट डिवीजन को छोड़ के जाने की तुरंत ही सलाह दी गांधी जी डिड नॉट लीव गांधी जी ने छोड़ा नहीं उस जगह को इन स्टिल ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी और इसके अलावा वो कहाँ गए मोतिहारी गए कैपिटल ऑफ चंपारण जो कि चंपारण का कैपिटल था सेवरल लॉयर्स अम्पेन him, काफी सारे लॉयर्स उनके साथ में गए एट द रेलवे स्टेशन वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी और वहां पे कहां पे भाई? चंपारण का जो कैपिटल था मोतिहारी वहां पे स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को ग्रीट किया गांधी जी का रिस्पेक्ट किया सम्मान किया ग्रेट मल्टीट्यूड ने वास्ट मल्टीट्यूड ने बहुत बड़ी भीड़ ने ही वेंट टू द हाउस ही वेंट टू अउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर अब वो वहाँ मोतीहारी में एक घर के अंदर गए और उस घर को ही उन्होंने एज अ हैडक्वार्टर अपना यूज किया कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन और वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा अ रिपोर्ट केम इन दैटेंट हैड बीन मल ट्रीटेड इन अ नियर बाय वेस अब उनको एक रिपोर्ट आई किसी चीज़ का पता लगा कि एक पेजेंट यानी कि एक किसान है जिसके पास मल्ट्रीट हो रहा है जिसके साथ में मल्ट्रीट हो रहा है यानी कि बुरा व्यवहार हो रहा है नियर बाय विलेज के अंदर यानी कि पास के गांव में मल्ट्रीट किया जा रहा है उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स तो गांधी डिसाइडेड टू तो गो टू गो एंड सी तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को और कैसे स्टार्ट किया बैक ऑफ एन एलिफेंट एक एलिफेंट की कमर पर बैठ के वो गए मैंने कि एक एलिफेंट की सवारी से वो गए ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे अभी वेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेज मैसेंजर सॉरी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर ओवरटेक कर दिया उनको यानी कि गांधी जी जैसे एलिफेंट पे बैठ के जा रहे थे तो उनको ओवरटेक किया किसने एक सु, पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न द टाउन और उनको बोला ऑर्डर दिया कि टाउन लौट जाइए इन हिज कैरेज उसकी गाड़ी में यानी कि जो गाड़ी लेके वो, वो सुपरिटेंडेंट आया था उस गाड़ी में ही वो वापस जाने के लिए टाउन में मोतिहारी में जाने के लिए उनको बोलता है ऑर्डर देता है गांधी कंपा कम, कंप्लाइट गांधी जी ने इस चीज को कंप्लाइड किया विरोध किया द मैसेजर ड्रॉफ गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम अब क्या हुआ जो मैसेजर था सॉरी ये कंप्लाइड विरोध नहीं है गांधी जी ने उसकी बात को मान लिया तो जो मैसेंजर था उसने गांधी जी को घर छोड़ दिया उनके वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली जहां पे उस सुपरिटेंडेंट ने, ने उनको नोटिस दिया कि वो जल्दी से क्या कर दें इमीडिएटली चंपारण को क्विट कर दें क्विट का मतलब क्या है स्टूडेंट छोड़ दें ठीक है वहां से चले जाएं गांधी साइन द रिसिप्ट फॉर द नोटिस अब गांधी जी ने एक रेसिप्ट को साइन कर दिया इस नोटिस के साथ में एंड रोट ऑन इट और उस रेसिप्ट पे लिखा उन्होंने दैट ही वुड डिस ऑबे द ऑर्डर कि वो इस ऑर्डर को डिसऑबे करते हैं इस ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे यानी कि चंपारण से बिल्कुल नहीं जाएंगे अब क्या होता है इन कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्टेड इन यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ परिणाम क्या हुआ परिणाम स्वरूप जो गांधी जी थे उनको एक समन रिसीव हुआ जिसमें कि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना था कोर्ट में पहुंचना था आगे देखते हैं ऑल नाइट गांधी जी रिमेंट अवॉक सारी रात जागते रहे गांधी जी क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में सबमिट होना था कोर्ट में उनको अपीयर होना था ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया टू कम फ्रॉम बिहार से आने के लिए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में कुछ इन्फ्लुएंशियल मीनस प्रभावशील यानी कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी बिहार की उन लोगों के साथ में आने के लिए गांधी जी को टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने टेलीग्राफ कर दिया ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिए और उन्होंने वायर की फुल रिपोर्ट किसको वायस राय को भी वायर कर दी मॉर्निंग में क्या होता है कि जो पूरा टाउन था मोतीहारी वो ब्लैक हो गया पेजेंट से यानी कि पूरे मोतिहारी टाउन के अंदर सब इतने सारे प्रेजेंट्स दिखाई दिए कि वो बिल्कुल ब्लैक हो गया मतलब इतने सारे लोग कि उनके सिर काले-काले ही दिख रहे थे दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका अब ये जो प्रेजेंट्स थे इनको गांधीजी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं पता था साउथ अफ्रीका में जो गांधीजी थे काफी अच्छी पर्सनालिटी के फॉर्म में एस्टैब्लिश हो चुके थे वहां पे लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे ही वाज वेरी फेमस देयर ही वाज वेरी नोन इन साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम तो ये जो प्रेजिडेंट्स थे इनको नहीं पता था गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया हुआ है दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज उनको सिर्फ इतना ही सुनाई दिया या उनको सिर्फ इतना ही पता था कि जो महात्मा है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आया है वो ट्रबल में है परेशानी में है किसकी वजह से ऑथॉरिटीज की वजह से दिस स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लाइब्रेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश अब गांधी जी बताते हैं कि उनका ये जो स्पॉन्टेनियस डिमॉन्सट्रेशन था स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्रदर्शन जो था स्पॉन्टेनियस uh, का एक दूसरा मीनिंग आप ये भी लगा सकते हो कि विदाउट बीइंग आस्क बिना बोले ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने किया थाउजेंड्स की काउंटिंग uh, में वो लोग वहाँ पे आ गए कोर्ट हाउस के आसपास आ गए ये उनकी बिगनिंग थी किससे शुरुआत थी उनकी लाइब्रेशन की उनकी स्वतंत्रता की किससे फियर ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के डर से उनकी स्वतंत्रता की ये शुरुआत हो चुकी थी जब वो बिना बोले बिना कहे थाउजेंड्स की काउंटिंग में कोर्ट हाउस के आसपास दिखाई दिए ठीक है आगे देखते हैं द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी अब जो ऑफिशियल्स थे वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि जो ऑफिशियल्स थे वो क्या लगे वन मिनट पावरलेस हो गए गांधी के सपोर्ट के बिना क्योंकि वहां पे इतनी सारी भीड़ हो गई कि कुछ भी पॉसिबल नहीं था और सभी लोग जो प्रेजेंट थे वो रेसिस्ट करने के लिए विरोध करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेडी थे तो इसलिए वहां पे जो ऑफिशियल्स थे वो पावरलेस अपने आप को फील फील करते हैं गांधी के कॉपरेशन के बिना ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड अब गांधी जी ने उनकी हेल्प की किसकी ऑफिशियल्स की हेल्प की क्या करने में क्राउड को रेगुलेट करने में क्राउड को वहां से भेजने में हटाने में ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली क्योंकि गांधी जी पोलाइट थे और फ्रेंडली थे ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ गांधी जी उनको एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे ये गांधी जी उन्होंने कॉन्क्रीट प्रूफ दिया वो क्या था दैट दे आर माइट हिथर्थो ड्रेडिज आगे बताती हूँ आपको एक कॉन्क्रीट प्रूफ उन्होंने गांधी जी ने उन ब्रिटिशर्स को दिया कि उनकी जो पावर थी यानी कि देअर देअर मीन्स ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की जो पावर थी जो की हिथर्थो ड्रेडेड थी हिथर्थो का मतलब होता है बच्चों अब तक क्या होता है अब तक जो कि कैसी थी ड्रेडेड थी यानी कि डराने वाली थी भय पैदा करने वाली थी एन अनकोस्ड और जिसपे कोई सवाल नहीं उठा सकता कुड बी चैलेंज बाय इंडियन उसको इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ये ही कॉन्क्रीट प्रूफ कॉन्क्रीट का मतलब होता है पक्का सबूत कॉन्क्रीट प्रूफ देना चाहते थे तो वो उन्होंने दे दिया अब क्या होता है द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टॉन द ट्रायल इस ट्रायल को यानी कि इस uh, आ, अब इसका हिंदी मुझे नहीं आ, समझ आ रहा है तो इस ट्रायल को यानी कि जो कार्यवाही चल रही थी उसको पोस्टपोन करने के लिए जज को बोला किसने प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूटर कौन होता है गवर्नमेंट लॉयर होता है तो अपारेंटली द अथॉरिटीज विज टू कंसल्ट देयर सुपीरियर और तुरंत थी जो ऑथॉरिटीज थी आ, उसने इच्छा की कंसल्ट करने की अपने सुपीरियर्स से यानी कि अपने से बड़े अधिकारियों से आगे देखते हैं गांधी जी प्रोटेस्टेड द डिले गांधी जी ने डिले को प्रोटेस्ट किया डिले का का विरोध किया, देरी का विरोध किया किया देरी दे रीड दे रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड किया जिसमें उन्होंने अपना गिल्ट को क्या किया प्लीड किया स्वीकार किया एक्सेप्ट किया ही वॉज इन्वॉल्व ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कंफ्लिक्ट ड्यूटीज उन्होंने कहा किसको कहा कोर्ट को कहा उन्होंने कोर्ट को कहा कि वो इन्वॉल्व हैं किसमें कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में ऑन द वन हैंड एक तरफ तो वो इन्वॉल्व हैं किसमें कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में यानी कि कर्तव्यों के संघर्ष में नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर और वो एक बैड एग्जाम्पल एक गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं किसका लॉ ब्रेकर का और ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस और दूसरी तरफ वो क्या है रेंडर कर रहे हैं क्या मानवीय है. और नेशनल सर्विस यानी कि मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते हैं फॉर विच ही हैड कम जिसके लिए वो वहां पे आए हैं कहाँ पे बच्चों चंपारण में आए हैं ही डिसरिगार्डेड ऑर्डर टू लीव उन्होंने वहां से जाने का जो ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड कर दिया उसको लीव कर दिया उसको छोड़ दिया आगे देखते हैं नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटीज वो नहीं चाहते थे रिस्पेक्ट कि उनकी इच्छा नहीं थी पाने की किससे लॉफुल अथॉरिटीज से इसलिए उन्होंने ऑर्डर को नहीं छोड़ा बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ ऑफ आर बींग द वॉइस ऑफ कॉन्सियंस वो बोलते हैं कि जो हायर लॉ है हमारी खुद की आत्मा की आवाज़ का उसकी आज्ञा के लिए उन्होंने वहां से जाने का जो ऑर्डर था उसको डिफाई uh, कर दिया उसको डिनाई कर दिया उसको मना कर दिया उसको कैंसिल कर दिया ही आज द पेनल्टी ड्यू और जो उनके लिए पेनल्टी थी उसके लिए उन्होंने पूछा यानी कि जो भी कुछ पनिशमेंट उनको मिलना था उसके बारे में उन्होंने कहा अब क्या होता है द मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड अनाउंस सेंटेंस आफ्टर टू आर रेसिस एंड आस्ट गांधी टू फर्निस बेल फॉर दोन टवेंटी मिनट्स मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो क्या है प्रनाउंस करेगा सेंटेंस सेंटेंस का मतलब है बच्चों क्या सजा क्या है सजा सजा प्रनाउंस करेगा सजा सुनाएगा टू आर रेसेस के बाद में यानी कि दो घंटे के रेसेस के बाद में दो घंटे के ब्रेक के बाद में और गांधी जी को बोला कि वन ट्वेंटी मिनट्स का तुम्हें क्या है बेल मिला हुआ है गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया इस चीज के लिए तो जज ने क्या किया उनको बिना बेल के ही वहां से जाने दिया वहां से रिलीज कर दिया वेन द कोर्ट रिकनवेंड जब कोर्ट रिकनवेंडेड हुआ रिकनवेंडेड का मतलब दोबारा लगा ठीक है ना क्या हुआ दोबारा लगा कोर्ट जब आगे दोबारा लगा तो जज जो था उसने बोला ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज कि वो काफी दिनों तक जजमेंट नहीं देगा मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन ऑन लिबर्टी और इसके बदले या इसी टाइम पे उसने ये भी कह दिया कि वो गांधी को लिबर्टी पे छोड़ता है मतलब गांधी जी को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है आगे देखते हैं राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना मौलाना मजहर Hmm. तो राजेंद्र प्रसाद ब्रज बिहारी बाबू मौलाना मज हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार अब बिहार से राजेंद्र प्रसाद राज किशोर ब्रजकिशोर बाबू और ये जो मौलाना जी थे और उनके साथ में काफ़ी प्रोमिनेंट जो दूसरे लॉयर्स थे वो भी बिहार से कहाँ पहुंच गए चंपारण पहुंच गए दे कन्फर्ड विद गांधी जी और उन्होंने गांधी जी के साथ में कन्फर्ड किया कन्फर्ड मीन्स कन्वर्जेशन तो कन्वर्जेशन किया बातचीत की बात विमर्श किए ठीक है एंड वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रेजेंट गांधी जी आस्ट और गांधी जी ने फिर इस ग्रुप ऑफ लॉयर से पूछा कि अगर मैं यानी कि अगर उनको अगर सेंटेंस हो गई और जेल में भेज दिया गया यानी कि सजा हो गई और जेल में भेज दिया गया जेल में डाल दिया गया तो वो लोग क्या करेंगे यानी कि जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है वो क्या करेगा गांधी जी ने ऐसा पूछा उन लोगों को वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड क्यों फिर वो सीनियर लॉयर उनमें से जो था वो बोला कि आ, उसने जवाब दिया दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम कि जो गांधी जी है ना वो उनको एडवाइस करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए आए हैं ही वेंट टू जेल दे वुड बी नो बडी टू एडवाइस देम दे वुड गो होम और अगर वो जेल चले जाएंगे तो उनको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होगा और फिर ये जो पूरे सारे के सारे जो लॉयर्स हैं वो भी अपने घरों में चले जाएंगे घरों को चले जाएंगे वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स गांधी डिमांडेड अब गांधी जी ने पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स के अगेंस्ट में जो जो शेयर क्रॉपर्स के ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है यानी कि जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा गांधी जी ने ऐसे पूछा तो द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट जो तो जो लॉयर थे उन्होंने इस कंसल्ट को विड्रू किया यानी कि थोड़ी देर के लिए सोचा एंड राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड टू द अपशॉट ऑफ देयर दे दे ऑट थॉट थॉट दैट गांधी टोटली अ स्ट्रेंजर अब क्या होता है राजेंद्र प्रसाद ने पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सॉरी uh, इस पूरे कंस, कंसल्टेशन के रिकॉर्ड को अपशॉट किया यानी कि पूरे के पूरे जो बात चीत उन्होंने आपस में की थी गांधी जी के ऐसे पूछने के बाद में उस सारी चीज को रिकॉर्ड किया और बोला क्या बोला कि जो गांधी जी हैं ना वो टोटली स्ट्रेंजर हैं एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स और फिर भी वो सेक ऑफ प्रेजेंट्स पेजेंट्स के लिए यानी किसानों के हित के लिए प्रिजन जाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं यानी कि रेडी हैं एंड इफ दे ऑन द अदर हैंड

और ग्रुप बनाए पेयर्स में ठीक है यानी कि दो दो का दो दो लॉयर्स का उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट और एक ऑर्डर उसमें लिख दिया कि किस पेयर को किस टाइम पे कोर्ट में अरेस्ट होना है अब क्या होता है सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव द रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड गांधी जी को एक uh, इनविटेशन सॉरी एक कम्युनिकेशन रिसीव्ड होता है जिसमें कि मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म किया उनको आ, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस का उसने ऑर्डर दिया है कि जो केस है गांधी जी के ऊपर वो ड्रॉप्ट किया गया है यानी कि खत्म कर दिया गया है सिविल ओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड अब गांधी जी बोलते हैं कि जो सिविल ओबीडियंस था यानी कि उनका जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था सभी ने अवज्ञा आंदोलन वो जीत गया था पहली बार यानी कि उन्होंने अवज्ञा की थी उनकी चीज की उनके ऑर्डर की किस ऑर्डर की की थी कि कम चंपारण को क्विट कर दो यहाँ से चले जाओ कई बार उनको ये लेटर मिला बट ही बट ही नेवर क्विट उन्होंने कभी क्विट नहीं किया वहां से वो कभी गए नहीं तो इस तरीके से वो कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस जो था ना वो जीत गया था पहली बार मॉडर्न इंडिया में अब गांधी जी बोलते हैं गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इन टू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर अब गांधी जी जब उनका केस ड्रॉप हो गया जब उनका केस खत्म हो गया उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए तो गांधी जी और जो दूसरे लॉयर्स थे अब उन्होंने प्रोसीड किया कंडक्ट करने का फार फ्लंग इंक्वायरी और किसके दुखों के बारे में किसके फार्मर्स के किसानों के जो दुख थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया डिपोजिशंस बाय अबाउट टेन थाउजेंड पेजेंट्स वर रिटर्न डाउन और टेन थाउजेंड पेजेंट्स ने रिटर्न डिपॉजिशन कराया और एंड uh, नोट मेड ऑन अदर एविडेंस और दूसरे एविडेंस भी नोटेड डाउन किए गए एंड डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड द होल एरिया द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स बेटा वेमेंट का जो वो मीनिंग होता है वो होता है जोरदार प्रोटेस्ट यानी कि जोरदार विरोध होने लगा लैंड लॉर्ड्स का सारे में इन्वेस्टिगेटर्स फैल गए किसके गांधी जी के तो इस तरीके से वहां पर अब एक्टिविटीज चलने लगी चंपारण के अंदर द होल ये हम लोग कर चुके हैं इन जून गांधी वो समन्स टू सर एडवर्ड गैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट ही मैट अब गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गैट जो थे जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जून के महीने में उनको बुलाया गया लेकिन उसके पास जाने से पहले वो मिले किससे मिले लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान फॉर द सिविल ऑबिडियंस लीडिंग एसोसिएट्स से मिले, मिले यानी कि अपने जो साथी थे उनसे मिले जो कि आगे इस प्लान को उनकी जो वर्क चल रहा है उसको क्या करेंगे लीड करेंगे आगे लेके जाएंगे तो उनसे वो मिले और डिटेल प्लान उन्होंने सिविल के बारे में उनको बताया अगर वो वो नहीं आए तो ऐसा सोच के, तो ऐसा पहले किससे मिले अपने for, uh, uh, गांधी जी के साथ चार इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो कि जिसने रिजल्ट निकाला बाद में अपॉइंट करने का एक ऑफिशियल कमिश्नर इंक्वायरी में किसकी इंक्वायरी में इंडिगो शेयर प्रॉपर्स की यानी कि इंडियन शेयर प्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी उसकी इंक्वायरी बिठाने के लिए उसने क्या किया एक सॉल्यूशन निकाला और उसने क्या कहा कि द कमिश्नर सॉरी द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंड लॉर्ड और इस कमीशन में कमीशन में कौन कौन कंसिस्ट करेंगे लैंडलॉर्ड्स होंगे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं अधिकारी हैं वो होंगे और गांधी जी होंगे एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफ द द रेप्रेजेंटेटिवेंट और पेजेंट्स के तरफ से एक सोल एक मात्र रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी भी इस कमीशन में होंगे तो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई किसने बिठाई एडवर्ड एडवर्ड ने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने आगे देखते हैं गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इन अनप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स गांधी जी चंपारण में रहे कितने टाइम के लिए सेवन मंथ्स के लिए अनप्टेड मीन वो सेवन मंथ्स के लिए एक बार भी वहाँ से चंपारण से बाहर नहीं गए एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट शॉर्टर विजिट्स और फिर उसके बाद सात महीने के बाद वो थोड़ी थोड़ी शॉर्टर विजिट्स पे चंपारण से बाहर जाने लगे थे द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एन ट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशंस दैट ही वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ तो आगे वो बोलते हैं की विजिट यानी कि यात्रा किसकी अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड प्रजेंट एक अनलेटर्ड यानी कि एक अशिक्षित किसान की बात मान के उन्होंने जो विजिट की ठीक है ना और उन्होंने सोचा था कि इट वुड टेक लास्ट अ फ्यू डेज कुछ ही दिन यहाँ पे लगेंगे इसने क्या कर लिया लगभग उनका एक साल गांधी की लाइफ का ऑक्यूपाई कर लिया लगभग एक साल वहां पे उनको गांधी जी को लगा ठीक है जिस अनलेटर्ड प्रेजेंट के कहने पे वो वहाँ गए थे तो गांधी जी ने सोचा था कि थोड़े बहुत टाइम है मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर और आप वापस आ जाऊँगा बट इट टुक इट ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल की गई एक माउंटेन ऑफ एविडेंसिस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स यानी कि जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे एविडेंसिस कलेक्ट कर लिए गए एंड वैन दे सॉ दिस दे एग्रीड और जब उन्होंने यानी कि लैंडलॉर्ड्स ने इन एविडेंस को देखा तो वो एग्री हो गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड ऑफ द पेजेंट्स सिद्धांतों पर वो सिद्धांत क्या थे कि वो पेजेंट्स को रिफंड कर देंगे उनका पैसा जो उन्होंने डिसीटफुली चीटफुली उनसे कलेक्ट किया था बट हाउ मच मस्ट बी पे देस्ट गांधी उन्होंने गांधी से पूछा ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड्स ने कि कितना उनको पे करना पड़ेगा दे था वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दैड इलीगली इलीगली एंड डिसीट फुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सोचा कि जो गांधी हैं वो पूरे पैसे के लिए डिमांड करेंगे जो कि उन्होंने इलीगली इलिग, और डिसीट फुली एक्सटोर्ट किया था शेयर क्रॉपर्स से बट ही आज ऑनली फिफ्टी परसेंट गांधी जी ने फिफ्टी परसेंट के लिए पूछा देयर ही सीम्ड एडमेंट यहाँ पे गांधी जी एडमेंट लगे एडमेंट का मतलब है एक डिटर्मेंट लगे यानी कि जिद्दी लगे एक तरीके से अड़ गए थे कि फिफ्टी परसेंट चाहिए तो जो रेवरेंड जे जेड हॉज हैं जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में और जिन्होंने इस पूरे चंपारण एपिसोड को क्लोज रेंज से व्यू किया था देखा था वो बोलते हैं कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो वो बताते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर्स का प्लांटर्स का एक प्रतिनिधि यानी कि लैंडलॉर्ड्स का जो एक प्रतिनिधि था उसने ऑफर किया रिफंड करना कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी गांधी जी ने तो फिफ्टी परसेंट के लिए कहा था लेकिन उस उस रिप्रेजेंटेटिव ने प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने फिफ्टी फाइव देने को कहा एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स और फिर उसको सरप्राइज हुआ जब गांधी जी उसके वर्ड्स को मान गए यानी कि उसकी बात को मान गए दस ब्रेकिंग द डेड लॉक और इस तरीके से डेडलॉक टूट गया यानी कि जो गतिविधि चल रही थी ये ये खत्म हो गई रिफंड करने की यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रिफंड कर देंगे किसको पेजेंट्स को ये सेटल हो गया मामला दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन और ये जो सेटलमेंट था कमीशन ने यूनिमसली का मतलब होता है एक रूप हो के सबने साथ साथ इसको पूरे पूरे मन से मान लिया ये कह सकते हैं हम लोग गांधी एक्सप्लेन अमाउंट दट रिफंड है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है देन द द फैक्ट दैट लैंडलॉर्डर पार्ट ऑफ द मनी इसके कंपेरिजन में कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो पार्ट ऑफ द मनी को सरेंडर करने के लिए एग्री हो गए यानी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने रिफंड किया वो एग्री हो गए यानी कि हमारी बातों को उन्होंने मान लिया ये चीज हमारे लिए मायने रखती है विद पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिस की अपनी प्रेस्टिस के पार्ट के साथ में यानी कि अपनी प्रेस्टिस की उन्होंने चिंता नहीं की और वो उन लोगों ने हमारी बात को मान लिया ठीक है देर फॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव जहाँ तक कि पेजेंट्स का कंसर्न है जो प्लांटर्स थे उनके ऊपर इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे कि वो लॉर्ड्स अबव हों लॉर्ड्स अबव द लॉ हों नियमों और कानूनों के भी ऊपर हों इस तरीके से वो बिहेव करते थे इन शेयर क्रॉपर्स के साथ में लेकिन अब क्या होता है प्रेजेंट सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज लेकिन अब किसान ने देखा कि उसका राइट right भी हैं कुछ उसके डिफेंडर्स भी हैं और अब उसने हिम्मत सीख ली थी उसको हिम्मत आ गई थी आगे देखते हैं इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज़ पोजीशन इस इवेंट ने जस्टिफाइड कर दिया गांधी जी की पोजीशन को विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर ईस्टेट्स और कुछ ही इयर्स में जो ब्रिटिश ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपने ईस्टेट्स को अपनी जागीरों, जागीरों को अबेंडन कर दिया त्याग दिया विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स और उनको पेजेंट्स को दे दिया इंडिगोशियर क्रॉपिंग डिसहपियर जिस तरीके से इंडिको शेयर क्रॉपिंग डिसहैपियर हो गई यानी कि गायब हो गई खत्म हो गई गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पोलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन गांधी जी ने कभी अपने आप को नहीं माना कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना कि वो अपने इस लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से कभी संतुष्ट नहीं हुए यानी कि वो और भी कुछ करना चाहते थे ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस यानी कि उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशंस ही निकाले उन्होंने कल्चरल और सोशल सोल्यूशंस भी कल्चरल और सोशल जो बैकवर्डनेस थी चंपारण के अंदर उसका भी सोल्यूशन निकाला और उन्होंने क्या किया इसके लिए विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली यानी कि सोशली और जो कल्चरल uh, वहाँ पे बैकवर्ड थी चंपारण गांव की चंपारण के जो गांव थे उनके अंदर जो ये कुछ कमियां थी उनको भी उन्होंने इमीडिएटली शॉर्ट आउट करने का सोचा ही अपील्ड फॉर द टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक यहाँ से जो दो टीचर हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नरहरी पारिक और महादेव देसाई हु वॉलेंटियरली सव देयर जहाँ पे गांधी जी की उन्होंने वॉल्टियरली हेल्प की थी टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डेसिपल जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे ये दोनों ही जो टीचर थे एंड देयर वाइफ्स और उनकी पत्नियां भी थी वॉलंटियर फॉर द वर्क अपने इस काम के लिए आगे आए एंड सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड और यहाँ पे चंपारण में इन अलग अलग जगह के लोग भी बॉम्बे के पूना के और दूसरी आ, दुनिया के दूसरे देशों से भी दूसरे जगहों से भी लोग यहाँ पे आए एंड देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन देवदास जो कि गांधी जी के छोटे बेटे थे अराइव फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी और ऐसा ही मिसेस गांधी ने भी किया वो भी चंपारण पहुंच गई एंड प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन सिक्स विलेजेस छह गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन कस्तूरबा जी जो थी यानी कि गांधी जी की जो वाइफ थी उन्होंने पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में क्या किया सिखाया वहां के लोगों को अब क्या है हेल्थ कंडीशंस व मिजरेबल हेल्थ कंडीशंस भी वहाँ पे चंपारण में मिजरेबल थी बहुत ही दुखदाई थी दयनीय थी गांधी गॉर्डर डॉक्टर टू वॉलेंटियर सर्विसेज फॉर सिक्स मंथ्स छः महीने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को वहाँ पे अपॉइंट किया वॉलेंटियरली अपनी सर्विस देने के लिए थ्री मेडिसन्स वर अवेलेबल कैस्टर ऑयल क्विनन एंड सल्फर ऑइंटमेंट तीन मेडिसिन यहाँ पे क्या की जाती हैं यूज की जाती हैं और अवेलेबल थी कैस्टर ऑयल कनेन और सल्फर ऑइंटमेंट अब इन तीनों का जो यूज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो कैस्टर ऑयल जो था इसका जो यूज़ था एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कूनैन प्लस कैस्टर ऑयल अब यहाँ पे एक एक, एक आ, जो आ, आ, मेडिसिन थी उसका यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग वाज गिवन डोज ऑफ कैस्टर ऑयल किस जिसकी कॉटेड टंग होती थी किसी की तो उसको डोज दिया जाता था, था कैस्टर ऑयल का कैस्टर ऑयल को हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं एंड एनी विद एनीबडी विद मलेरिया फीवर होता था तो कुन और कैस्टर ऑयल दो चीजें दी जाती थी और एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल और अगर किसी को स्किन डिजीज होती थी तो उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दोनों दिए जाते थे गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ गांधी जी ने जो लेडीज थी वहाँ की जो वुमन थी उनकी फिल्थी स्टेट्स भी नोटिस की कि वो कितने गंदे और कुछ फटे हुए ऐसे कपड़े पहनती हैं ही आज कस्तूरबा टू टॉक टू दैम अबाउट एट उन्होंने कस्तूरबा जी को जो कि उनकी वाइफ थी उनको बोला कि वो उन महिलाओं से बात करें वन वुमेन टू कस्तूरबा टू हर ओन हट एंड सैड लुक देर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हीयर फॉर क्लॉथ्स द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव वो कस्तूरबा जी को अपने घर ले गई और उसने दिखाया कि ना तो मेरे घर में कोई बॉक्स है ना ही कोई कबर्ड है कपड़ों को रखने के लिए और जो साड़ी मैंने पहनी है ना ये एक ही साड़ी है मेरे पास में तो ये साफ सुथरी कैसे रह सकती है अगर इसको साफ करूंगी तो पहनूंगी क्या तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग वे लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैपिटल लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम यानी कि वो चंपारण में रह रहे थे लेकिन अपने आश्रम पे भी उनकी डिस्टेंस वॉच थी दूर से अपने आश्रम पे भी वो दृष्टि बनाए हुए थे ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स रेगुलर मेल्स भेजते थे वो आश्रम में और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखते थे वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटिन ट्रेंचिज एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड एक बार वो ऐसा भी मेल करते हैं वहां के रेजिडेंट्स को आश्रम के रेजिडेंट्स को वैन ही वॉज देयर इन चंपारण तो वो एक बार ऐसे भी लिखते हैं वहाँ के रेजिडेंट्स को कि जो ओल्ड लैटिन ट्रेंचेज हैं लेट्रिन के जो पुराने गड्ढे हैं वो भर भर गए हैं इसलिए दूसरे नए वाले जो हैं वो डिग करने की जरूरत है नहीं तो ओल्ड में से बैड स्मेल आएगा गंदी बदबू आएगा

कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मेरे खुद के देश में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते थे ये चीज़ मैंने की बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं किया बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस इट ग्रू आउट ऑफ एन टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स यानी जो चंपारण एपिसोड था वो किसी पर्सनल व्यूज की पर्सनल दुश्मनी की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था ये जो नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स थे इनकी जो पुअर कंडीशंस थी उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ये गांधी जी की क्या थी टिपिकल गांधी पैटर्न था उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो एक दूसरे से प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी यानी कि गांधी जी जो थे वो ऐसे नहीं थे कि वो चैन से बैठ जाए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे और डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती थी लोगों की उनको शॉर्ट आउट करते थे लॉयल्टी टू द ऑब्स आई वॉज इ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स आगे कहते हैं इन इवनिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कूड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री और इवनिंग में क्या होता है गांधी जी सॉरी इन एवरी थिंग गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ उन्होंने ये कोशिश की जो इंडियंस हैं वो स्टैंड हो सके अपने खुद के पैरों पे और इंडिया फ्री हो सके सिर्फ यही गांधी जी ने किया ए सॉरी अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रियूस द इंग्लिश पैसिफिस्ट अब यहाँ पे एक और इंग्लिश uh, मैन आते हैं फ्रियर एंड्रिय थे जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे चंपारण में हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी के वो एक फॉलोअर बन गए थे यानी कि महात्मा गांधी से ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे कम टू बिट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आईलैंड अब उनको फिजी आईलैंड पर भेजा जा रहा था इसलिए अब वो गांधी जी से फेयरवेल लेने आए थे विदाई लेने आए थे एंड गांधी जी इज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रीज टू स्टे चंपारण एंड हेल्प हिम तो गांधी जी के दूसरे फ्रेंड्स थे यानी कि यहाँ के जो लॉयर थे उन्होंने सोचा कि अच्छी बात होगी अगर ये एंड्र्यूज हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड बन जाता है ठीक है एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड और एंड्रू ऐसा करने के लिए बिल्कुल विलिंग था उनका फ्रेंड बनने के लिए और वहां चंपारण में स्टे करने के लिए आइलैंड पे नहीं जाता वो फिजी आइलैंड पे नहीं जाता वो अगर गांधी जी मान लेते तो तो उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे गांधी जी के वो तो विलिंग थे इस चीज़ के लिए कि एंड्रू यहाँ पे रुकना चाहिए जिससे कि हमारे सपोर्ट में रहेगा हमारे फेवर में रहेगा लेकिन क्या होता है जो गांधी जी थे इसका विमेंटली अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग ये सोचते हो कि जो अनइक्वल फाइट है इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आर साइड कि ये ठीक रहेगा कि अगर हम अपनी साइड में एक इंग्लिश मैन को रखते हैं दिस सोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट ये आपके हार्ट की वीकनेस को शो करता है अगर हम किसी इंग्लिश मैन को इंग्लिश मैन के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं अपनी तरफ से तो ठीक है आगे देखते हैं द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर टू विन द बैटल कॉज बिल्कुल सिंपल है आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए लड़ाई को जीतने के लिए यू शुड नॉट सीक प्रॉप इन मिस्टर एंड तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में अपना प्रॉप नहीं ढूंढना चाहिए यानी कि मिस्टर एंड्रूज को लेकर अपना फायदा नहीं ढूंढना चाहिए बिकॉज इट हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन क्योंकि वो क्या है एक इंग्लिश मैन है ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स कम, राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि वो हमारे माइंड्स को करेक्टली पढ़ चुके थे एंड वी हैड नो रिप्लाई हमारे पास में कोई जवाब नहीं था गांधी इन इज वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस गांधी जी ने इस तरीके से हमें एक सेल्फ रिलायंस का आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स फॉर ऑल बाउंड टूगेदर यानी कि आत्मविश्वास इंडियन इंडिपेंडेंस और शेय का हेल्प सारी चीज़ें बाउंड थी ऑल बाउंड थी साथ साथ सारी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी एक दूसरे से रिलेटिव थी सो स्टूडेंट्स दिस वे वी कम्प्लीटेड दिस चैप्टर आई होप कि आपको समझ आया होगा अगर आया है तो मुझे ल, आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए आपको ठीक रहेगा और दूसरा ये कि अगर आपको ठीक लगा है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक्स